चिकन डिनर निकालना है, तो अभी तुम जॉर्ज बोलो तो कि चिकन डिनर लेने के लिए, ऑफकोर्स नहीं तो भाई और क्या है, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चिकन डिनर लेना है पबजी का। बट उसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज वो आ जाती है कि क्या हम लोग अपनी लाइफस्टाइल के साथ रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, मतलब कि हम कितनी देर तक पबजी खेल रहे हैं। अब पबजी तुम खेलो कोई दिक्कत नहीं है, बट पबजी एक नोटिफिकेशन देता है जिन्होंने तुम्हें पता होगा हर 6 घंटे बाद अपनी हेल्थ के लिए, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई ओके दबाते हैं, अरे भैया फाड़ में जाए हम तो खेलेंगे पबजी चिकन डिनर चाहिए भाई, जैसे कि अभी सामने वाला नूबड़ा सस्ते नशे करके बैठा है भाई, मजाक सट के 2 बार बॉडी शॉट खा चुका है कार्बोनेटेड तब भी पीक ले रहा है, ऐसा हाल होता है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन है तो 5 से 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। मैं जानता हूँ कि भाई हम सब जोशीले लड़के हैं, हम खेल सकते हैं, हम पागल जैसा खेल सकते, बट एट द सेम टाइम क्यों रिस्क लेना, क्यों हेल्थ के साथ दिक्कत करना। तो मैं रियली रिकमेंड करूंगा कि हर 6 घंटे बाद जब भी नोटिफिकेशन आता है पबजी का, एक छोटा सा पानी का गिलास पी लिया या फिर ब्रेक ले लिया, जिससे क्या अपनी हेल्थ भी मेंटेन रहे भैया, दिक्कत भी ना हो। एंड फिर तो भाई टीपीपी की शक्तियों का इस्तेमाल तो करना ही है, क्लच तो मारना ही है। हाँ तो गाइज आप लोगों ने अब देख लिया कि KinganBru ने क्या बोला कि भाई अब यार सबसे पहले तो भाई एक चीज़ बता दूँ यार, जो भी उसके अंधभक्त फैन हो ना यार, तो प्लीज़ ना गाली लिखने से पहले कुछ सोच लेना कि मैं बोल कर रहा हूँ। तो भाई उसने भाई ने ये बात बोली कि भाई हम लोग जो पबजी खेलते हैं वो 6 घंटे में एक नोटिफिकेशन देता है, ठीक है भाई देता है। तो भाई एक बात बताओ, जब आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप कम से कम पब्लिक को ये बोलो ना, आपने तो सीधा पब्लिक को ये बोल दिया कि 6 घंटे के बाद 10 मिनट का एक ब्रेक ले लो। भाई अब एक बात बताओ, आपका तो करियर सेट हो गया, आप पबजी खेल रहे हो मस्त अपना, ठीक है। तो भाई एक बात बताओ, जो इतनी करोड़ बंदा, इतना करोड़ों की उसमें नंबर्स में बंदा पबजी खेलता है, वो क्या सारा सेट हो सकता है क्या पबजी खेलने से? भाई आपको अपने प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए कि भाई पबजी खेलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक लिमिट में खेलो यार, 6 घंटे उसके बाद भी 10 मिनट का ब्रेक हुआ भाई, मतलब ये तो यार कोई बात नहीं बनी ना। कम से कम भाई आप लोग पबजी खेलते हो तो इतनी लिमिट में खेलो कि भाई आप लोग और काम भी कर सको, ये नहीं ना भाई। और मोस्टली जो होते हैं पबजी खेलने वाले बंदे वो स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो भाई अपने स्टूडेंट लाइफ में आप पबजी खेलोगे सिर्फ, तो भाई आपका आगे जाके करियर तो बिल्कुल हो जाएगा ना चौपट, उसमें तो कुछ बचेगा ही नहीं, पबजी आपको रोटी थोड़ी देगी भाई आगे जाके। तो भाई पबजी खेलो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक लिमिट में खेलो। और मैं कोई हेट नहीं कर रहा हूँ KinganBru से, मैं खाली ये कह रहा हूँ जो ये चीज़ उन्होंने उसने बोली है कि भाई 6 घंटे खेलने के बाद 10 मिनट रख के फिर खेल लो, यार ये तो कोई बात नहीं बनी ना, ये क्या मतलब होता है 6 घंटे पबजी खेलना, मतलब भाई पूरा दिन हो जाता है 12 घंटे तो बंदा, 10 घंटे तो सोता ही है बंदा, उसमें फिर 6 घंटे पबजी खेल लेता है, खाना भी खाएगा कुछ भी करेगा, तो भाई टाइम ही कितना बचेगा उसके पास। तो भाई प्लीज़ पबजी लिमिट में ही खेलो, कोई इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं आफत कि भाई हर टाइम पबजी आप लोगों के लिए है भाई आगे बेनिफिशियल। अगर हर टाइम पबजी खेलोगे तो आगे जाके भाई पबजी ने आपको इनकम नहीं देनी, इन लोगों के तो मतलब जो भी यूट्यूबर्स हैं बड़े करियर सेट हो गए हैं। और भाई ये बता दूँ इतना बंदा पबजी खेलता है तो ये तो है नहीं भाई हर एक आगे स्पोर्ट्स में घुस के अपना करियर बना लेगा। हाँ ठीक है कुछ बहुत ज़्यादा जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ठीक है वो खेल लो, जिनको लगता है वो कुछ कर सकते हैं, बट भाई हर एक बंदा तो नहीं कर सकता ना स्पोर्ट्स में। तो भाई प्लीज़ लिमिट में खेलो। और मैं KinganBru को ये कहना चाहूँगा कि भाई आपके पास प्लेटफॉर्म है तो प्लीज़ बंदों को सही गाइड किया करो यार, मतलब ये नहीं ना कि जो मन में आया वही अपना बोल दिया, तो कोई हेट नहीं। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।